Banerjee. Chandrakant sir works in a MNC and Neetu ma'am is a working professional and they are both from Jaipur. So let's hear it from them. Over to you, and with a huge round of applause, I would like to invite you here. Chandrakant sir and Neetu ma'am, over to you. Okay. So thank you. Thank you so much for inviting us on this beautiful platform that we are. So, मेरा नाम चंद्रकांत व्यास है और राजी ने बता ही दिया कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूं और ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं मुझे इस कंपनी में जॉब करते हुए। इससे पहले भी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब किए हैं मैंने। जॉब के साथ साथ में कहीं ना कहीं जो है ना, एक जो चीज मिसिंग हो जाती है वो होता है एक पैशन। जिंदगी को जीने का जो पैशन होता है ना, वो थोड़ा सा मिस हो जाता है, चाहे आप किसी भी तरह के जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब के अंदर हो। और उसी को थोड़ा सा हम लोग ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते बिजनेस के अंदर रजिस्टर हुए, बहुत टाइम हो गया था रजिस्टर हुए हम लोगों को, बट देन काम नहीं कर रहे थे ज़्यादा कुछ ना। और क्यों नहीं कर रहे थे, उस फिर जब काम किया तो क्या मिला हमको, बस वो हम बहुत क्रिस्प वेव के अंदर, क्योंकि सारे जो हमसे पहले के लीडर्स थे उन्होंने सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से बहुत इफेक्टिवली कवर की। तो वील जस्ट शेयर आर पार्ट ऑफ स्टोरी बहुत क्रिस्प तरीके से। सो meet my beautiful wife Neeta. Thank you, and thank you Ambe for giving us this opportunity to become a celebrity every single day. Aur mera naam Neeta hai aur main government job mein hu last 20 years se. Is business ko jo hai, agar main bolu to maine isko build karne ka nirnay tab liya tha jab hum 2000 mein, jab humne isme jab ye business aaya tha 98 mein, uske 2 saal baad hi hamari family mein business aaya tha. और हमेशा ये बात होती थी कि बिजनेस में मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करते थे, इसके जो प्रोडक्ट गाइड्स वगैरह जो आती थी उस समय में। बट उसके बाद हम लोग अपने कुछ कुछ एंगेजमेंट्स में बिजी थे। मैंने एमबीए किया है, आईएएस की तैयारी की है और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एजुकेशनली जो बोलते हैं ना हायर क्वालिफिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया। तो एमबीए का बारे में बात सिर्फ इतनी सी थी कि सोचते थे कि जब फ्री टाइम होगा तब करेंगे इसको। और फ्री टाइम आपको पता है कभी नहीं मिलता, हमेशा ये होता है कि आपको अपने एंगेजमेंट्स के साथ ही जो है इसको करना होता है। बट इट केम एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फ्रेंड और फ्रॉम माय बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आई वुड से, शी इज माय मेंटोर आल्सो इन दिस बिजनेस। और जब वो गिफ्ट मिला तो आप जब उस गिफ्ट को आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उस गिफ्ट को ऐसे ही रख दें और या फिर आप मतलब आप उस गिफ्ट को सहेज के रखें, और या फिर आप उस गिफ्ट को ओके इससे बहुत ज़्यादा एक बड़ी वैल्यू क्रिएट करें। तो हमने उसमें एक वैल्यू क्रिएट करने का जो है डिसीजन लिया। बट द ओनली थिंग जो हमारे लिए जो एमवे में सक्सेस को लेट आने का कारण था कि हम लोग वीकेंड बिजनेस बिल्डर्स थे, है ना। वीकेंड का मतलब वी वर बिल्डिंग इट ऑन सैटरडे संडेज। और जैसा कि अभी सब काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं और हम जब नए लोगों को ढूंढते हैं तो 7-8 डेज में जब आप बात 7-8 डेज के बाद में जब आप वापस उसको कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो बंदा जो है बेसिकली बिजनेस में से माइनस हो चुका होता है ना, क्योंकि वो इतने सारे लोगों से बात कर चुका होता है एमवे के बारे में। तो हमेशा वो इतने नेगेटिव मिलते थे, तो हम एक वीकेंड पे उनसे बिल्ड करते थे, फिर सेकंड वीकेंड मिलते तो नेगेटिव होते थे, फिर उनसे बात करते थे उनको पॉजिटिव करते थे, फिर अगले वीकेंड फिर। तो ये वीकेंड टू वीकेंड जर्नी थी हमारी और हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस ले नहीं पा रहे थे। बट मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर हम इस बात पे हैं तो हमें जो है सक्सेस मिलना तय है। और जब बहुत ज़्यादा बीच बीच में मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि अपने हिस्से के चैलेंजेस, अपने हिस्से की जो जो प्रॉब्लम्स हैं मैं बोलूँगी, अपने हिस्से का जो एंजाइटी है ना, अपने हिस्से की निराशा इस बिज़नेस में सबको जो है झेलनी ही होगी, क्योंकि सक्सेस इतनी बड़ी है इस बिज़नेस में, है ना। आप देखिए और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी सक्सेस आपको दे कि लाइफ का हर आस्पेक्ट जो है आपका टच हो, है ना। बी इट रिकॉग्निशन, बी इट टाइम, बी इट मनी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो सक्सेस है उसकी जर्नी में हमारे पास में रीज़न नहीं था क्लियर कि हमें क्या करना है और हमें बिज़नेस क्यों करना है, जो कि हम बोलते हैं हमेशा बिज़नेस को करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। और जैसा कि एक सेइंग है कि गुड लाइफ इज़ एन एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, तो हमेशा सोचते थे कि कुछ कारण नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए रोज़ शाम को निकलें बिज़नेस बिल्ड करने के लिए। और बिजनेस में टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं, तो मैं सुबह को जॉब पे जाती थी 9:30 to 6, एंड मेरे हस्बैंड का जॉब जो है सीके सर का जॉब शुरू होता था 4 से लेकर रात को 1:30 बजे तक। तो समझ में नहीं आता था कि किस तरह से जो है बिजनेस बिल्ड होगा। ये कपल बिजनेस था बट हम दोनों ही एक साथ नहीं होते थे, तो मुझे कई बार लगता था कि शायद इस बिजनेस के लिए वी आर नॉट फिट,
बट बहुत बार हमारी जो है मेजर अकाउंट मैनेजर जो हमारे मनोज मस्जी थे उस समय और अभी सैम है और हमारे मैम जो मुकेश सर हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम. उन्होंने हमारे लिए प्लानिंग की एंड व्हेन वी डिसाइडेड, तो जब बोलते हैं ना आपने डिसीजन लिया तो सारी चीज़ें जो है आपके पक्ष में होने लग जाती हैं. तो हमने जब डिसाइड किया अभी से 2-3 साल पहले और उनके साथ बैठ के प्लानिंग की, तो उन्होंने जो हमें फिगर बताया तो हमें लगा कि इतना अच्छा फिगर, मतलब हमें पता था सक्सेस होती है, सब चीज़ें होती हैं, बट हमें ये नहीं आइडिया था बिल्कुल भी कि गोइंग प्लैटिनम कैन बी सो मच प्रॉफिटेबल, है ना. क्योंकि हम तब से बिजनेस कर रहे हैं जब कोर प्लान था, और अभी जैसा मनोज सर ने बताया कि कोर प्लस प्लान है, तो कोर प्लस प्लान और कोर प्लान में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है. और हम लोगों ने प्लैटिनम शिफ्ट कोर प्लस के साथ की एंड यकीन जानिए कि जो भी इंसेंटिव सर ने बताए हमने सारे इंसेंटिव्स लिए हैं, बी इट CSI, बी इट BFI, BBI, और मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ये सबको इंसेंटिव के बारे में आइडिया है, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट. तो ये सब चीज़ें हमने ली. और उससे भी बड़ी बात जो मुझे आज लगती है कि हम बात करते हैं वुमेन ऑफ सब्सटेंस की, तो वुमेन ऑफ सब्सटेंस से हमारा क्या मतलब है कि वो फीमेल जो अपनी फैमिली को साथ लेकर अपने हॉबीज को, अपने पैशन को बिल्ड करे, अपने लिए कम्युनिटी बिल्ड करे, अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हो, है ना, किसी को भी फैमिली में निग्लेक्ट ना करे और साथ में ही अपने एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करे. तो इस जो वुमेन ऑफ सब्सटेंस की जो मैं डेफिनेशन मैं समझती हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज हमारी टीम में बहुत सारी फीमेल्स हैं. एमवे बिजनेस में मोस्टली फीमेल्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हमारी टीम जो है उसमें फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि इस तरह से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं कि आज जो एक हाउसवाइफ है उसको कल को ये मौका मिले कि वो सेलिब्रिटी बन पाए, है ना. और इस चीज़ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि 40+ के बाद जब फीमेल्स की लाइफ में जो एक गैप, एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है डिप्रेशन और बहुत एंजाइटी की फीलिंग रहती है उनकी लाइफ में, वो उनको फेस ना करना पड़े, तो मैक्सिमम हम लोग जो है इसमें फीमेल्स को टच कर रहे हैं. एंड वी आर ऑल्सो टचिंग जेन वाई, क्योंकि जेन वाई के ऊपर जो है एमवे फोकस कर रहा है. और बात करें इसकी कि प्लैटिनम जाने की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए, तो बहुत चीज़ें आई, बट जब आप इनके रिवॉर्ड्स देखते हैं, इस तरह का रिकॉग्निशन जो जैसा एमवे देता है वो कहीं पर भी नहीं है, जिस तरह के रिवॉर्ड्स की हम बात करते हैं. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, इसमें जो एक एटीट्यूड जो बिल्डअप हुआ है ना, जिस तरह का एटीट्यूड एमवे बिजनेस में आके बिल्डअप होता है, आपकी जो लीडरशिप निखर के आती है, बहुत सारी फीमेल्स मैंने देखा है जो चाहती हैं कि वो बहुत एक बड़े उसको लीड करें, कम्युनिटी को, बहुत बड़ी बड़ी टीम को लीड करें, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. और यहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब में थी तो भी आपको हमेशा क्या होता है, जॉब में आप होते हैं तो यू हैव टू जस्ट ओबे द बॉस, तो आप अपने लीडर नहीं बन सकते या आप किसी को लीड नहीं कर सकते, बट यहाँ पर लीडरशिप विद राइट एटीट्यूड जो है वो आपको सीखने को मिलता है एमवे में. और यहाँ पे हम लोग इसको बहुत अच्छा अपनी टीम के साथ बिल्ड कर रहे हैं. और जैसा कि अभी बताया कि कम्युनिटीज़ की बात करूँ तो एमवे हमें हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम वेट लॉस कम्युनिटी के साथ जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं. एवरी सिंगल डे एक्सरसाइजेज होती हैं और प्रेयर का जो एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट जो लाइफ में मिसिंग था, ग्रैटिट्यूड का जो कंपोनेंट मिसिंग था, वो हमें एमवे ने सिखाया कि किस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं. और ट्रेनिंग्स की बात मैं ज़रूर से भी करना चाहूँगी क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, तो जैसा अभी सर ने बताया, राजेश सर ने भी, कि वर्किंग वुमेन, वर्किंग पीपल के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड ट्रेनिंग मीटिंग्स. तो हमने जो भी सीखा वो हमारे घर में जो होम मीटिंग्स वगैरह कुछ हुई तो उनसे हमने सीखा, बट आफ्टर लॉकडाउन तो मुझे इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा कि पहले भी हम ऐसा बताते थे कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको बताएगी कि ये एक्स ब्रांड का सर्फ कैसे यूज़ करना है ना. हम तो ऐड में देखते हैं 2 ढक्कन डाला तो 2 ढक्कन डाल देते हैं, बट हमें कोई आइडिया नहीं कि उसको कैसे यूज़ करना है. बट यहाँ पर जो है हमें एमवे इतना हद तक हेल्प करती है कि 5 ml इतनी मशीन में डालना है, 10 ml इसमें डालना है, एंड इतने एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, थैंक्स टू ऑल द ट्रेनर्स ऑफ एमवे और न्यूट्रलाइट के लिए जितने डॉक्टर्स को एमवे ने जो है मतलब उसमें मतलब ट्रेनिंग के लिए हमें हमारे लिए बुलाया, इट वॉज सिंपली अमेजिंग. और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सारे जो है डॉक्टर्स इसको यूज कर रहे हैं, तो और हम किस तरह से हमारी टीम में इसको वो कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रलाइट को प्रमोट. तो बहुत बहुत एमवे की ट्रेनिंग्स ने हेल्प किया. और विद जूम तो हमें सबको पता है कि बिजनेस एकदम जूम हो रहा है, तो वी आर एंजॉइंग दिस जर्नी टू प्लैटिनमशिप एंड यही इरादा है, और इस पक्का इरादा है, मैं तो बोलूँगी यही इरादा मेरी पक्का इरादा है कि नेक्स्ट साल आप हमें जो है रिपीट से भी ज़्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन नई पिन पे देखेंगे और हमारे साथ में बहुत सारे प्लैटिनम्स को देखेंगे हमारी टीम में. ओवर टू सीके सर. ऑसम ऑसम, है ना. लाइफ पार्टनर का जो डेफिनेशन होता है ना, उनको बहुत
अच्छी तरीके से नीता जी जो है वो फुलफिल कर पा रही हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मुझे तो यू नो टेक इट फॉरवर्ड. सो जो हमारा पास्ट था इस बिजनेस के हिसाब से भी अगर बात करूँ तो बहुत ऑसम था, है ना, और प्रेजेंट जो है वो वाकई में बहुत फैंटास्टिक है. लेकिन जो फ्यूचर है, आने वाला जो टाइम है, उसको अमेजिंग बनाना है हम लोगों को, और उसके लिए हम अभी से प्लान कर रहे हैं, राइट. जैसे मनोज सर ने भी अभी बताया कि सितंबर से अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, है ना. और आई मीन आई वुड आल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ये जो M&M की जो जोड़ी है ना हमारे यहाँ जयपुर में, मुकेश सर और मनोज वत्स सर की, तो इन्होंने जो फिगर्स बताए थे वो आज तक हम लोगों को फिगर्स याद है, और हम चाह रहे हैं कि उन फिगर्स को रिपीट करें, बार बार उस अर्निंग्स को लें, है ना. और उसके लिए हम बहुत गहराई से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई भी क्वालिफिकेशन जो होता है, अनटिल अनलेस आप उस क्वालिफिकेशन को रिपीट नहीं करो तब तक मजा नहीं आता है, है ना. और जब तक किसी काम में आपको मजा ना आए तब तक उस काम को करना कोई सेंस नहीं बनता. ये हमने अपने डायमंड मेंटर से भी सीखा है. काफी चीजें हम लोग कर रहे हैं. अब अगर देखें तो नेट नेट हमारे पास में 39 डेज है ना. 1st of September से नया साल शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए हमको पहले से प्लानिंग करनी है. प्लानिंग के अंदर अगर हम देखें तो ADRs जो आए हैं हमारे ग्रुप के अंदर, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने पिछले 1.5 साल के अंदर आए हैं, उनका कन्वर्जन हमने करवाया है, और जो ट्रेनिंग्स जो हमको मिल रही है एमवे से, जो गाइडेंस हमको मिल रहा है, उसी को हम इम्पार्ट कर रहे हैं अपने ग्रुप के अंदर, अपने जो पोटेंशियल लीडर्स हैं उनके साथ में, उनके बारे में शेयर कर रहे हैं, उनके साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करना अब बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है. नो डाउट लॉकडाउन के वजह से या वर्क फ्रॉम होम की वजह से जॉब्स जो है थोड़ा सा, मतलब मैं जिस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हूँ उसमें थोड़ा सा चैलेंज रहता है, बट देन फॉर मी इट हैज बिकम लाइक अ फन, क्योंकि मेरे पास में अब 12 घंटे हैं मेरे जॉब के लिए, वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन 12 घंटे बाकी के जो है वो मेरे खुद के लिए है, है ना. पहले उन 12 घंटे में से भी 4 घंटे मेरे और चले जाते थे ट्रांजिट के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सब चीजों के अंदर. नेट नेट कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास में इतनी विजिबिलिटी है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग मुझे राजस्थान की लेनी है तो मैं राजस्थान की ट्रेनिंग ले सकता हूँ, मैं बैंगलोर की ट्रेनिंग ले सकता हूँ, मैं मुंबई की ट्रेनिंग ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कहीं की भी ट्रेनिंग खुद भी ले सकता हूँ, और अपने ग्रुप जो मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो मेरे एसोसिएट्स हैं, मैं उनको भी प्लग इन कर सकता हूँ वहाँ पर, है ना. मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो गया इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से, राइट. अब अगर देखा जाए तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, एमवे कोर प्लस प्लान का, और एमवे जितना सपोर्ट कर रहा है, उन तीनों का अगर हम रिजल्ट देखें तो अब 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता है किसी को भी आप BFI लेवल पे ले जाने के लिए, राइट. इसका मतलब क्या है, BFI लेवल पे ले जाना ही क्यों हमको किसी को? सबसे पहली बात तो ये कि हम बिजनेस में क्यों आए हैं. हम अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि हम बिजनेस में आए किस लिए हैं? पैसा कमाने के लिए. हम बिजनेस में इसलिए नहीं आए कि एमवे एक 72,000 करोड़ की कंपनी है जो टर्नओवर कर रही है. हम बिजनेस में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि एमवे जो है फॉरेन ट्रिप्स देता है. हम बिजनेस में इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ पर मतलब बहुत बड़े बड़े जो है लीडर्स हैं इसके लिए. हम बिजनेस के अंदर आए थे पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. आज हम उस लेवल पे हैं जहां पर हमने प्रॉफिटेबिलिटी अर्न की है, राइट. तो अब हम ये मानते हैं कि अब हमारा ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको उस प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे ले जाना. BFI पहले CSI अर्न करना, उनको सिखाना, CSI से फिर BFI पे ले जाना, BFI से BVI पे ले जाना. प्रॉफिटेबिलिटी जब आपके ग्रुप की बढ़ेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी, तो आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो जोन होता है उसके अंदर जाएगा. अगर आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आपका ग्रुप साइज बढ़ेगा. अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके ग्रुप की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ेगी, राइट. और जैसे कि हमारे मुकेश सर हर बार बताते हैं कि एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है एमवे बिजनेस के लिए, अगर आप उसको मान लेते हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, बिल्ड सस्टेन एंड मेंटेन. सिंपल, आप उस चीज को अगर फॉलो करते हो तो लाइफ के अंदर आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमवे बिजनेस इज नथिंग. अगर मैं बात करूं, आज हम प्लैटिनम हुए तो हुआ क्या, हम सिर्फ 3-6 बार सिल्वर गए इसलिए हम प्लैटिनम हुए. आज अगर मुझे एमरल्ड जाना है तो हम 3 अलग अलग लेग्स के अंदर 6 बार प्लैटिनम जाएंगे. आज अगर मुझे डायमंड जाना है तो हम 6 अलग अलग लेग्स के अंदर 6 बार प्लैटिनम जाएंगे. सिंपल. व्हाई शुड आई वेट फॉर समबडी एल्स कि वो आए, वो मेरे ग्रुप के अंदर प्लैटिनम जाए तो मैं एमरल्ड जाऊंगा, है ना. और इसी तरीके से हर बार अगर आप अपने आप को एक लेवल अचीव करने के बाद में हर बार अपने आप को आप वापस से शुरू करते हो कि भाई आज मैं 3% से फिर से शुरू कर रहा हूँ, मुझे 3 से 6 जाना है, 6 से 9 जाना है,
तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, राइट? एंड दिस बिजनेस इज रियल फन, बहुत एक्साइटमेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करने में, बहुत फन है इस बिजनेस को बिल्ड करने में. धीरे धीरे आप देखोगे कि सारी चीजें ऑटो पायलट मोड के अंदर आ जाती है, और वंस सारी चीजें जब ऑटो पायलट मोड के अंदर आ जाती है, तब जाकर वो सारी चीजें फुलफिल होती है जिसको हमने सुन के इस बिजनेस के अंदर आए थे कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आप जीना शुरू कर दोगे, राइट? एक फ्रीडम, उस फ्रीडम को आप एंजॉय करना शुरू कर दो, फ्रीडम ऑफ फाइनेंस, फ्रीडम ऑफ यू नो लिविंग योर ओन लाइफ एट योर ओन टर्म्स, राइट? तैयारी जो करनी है वो क्या करनी है, जो हमने अपने लिए तय की है, कॉल्स करना रोज 15 से 20 कॉल हम अपने लेवल पे करते हैं, अपनी टीम्स की छोटी छोटी टीम्स की छोटी छोटी मीटिंग्स जो है वो हम लोग डिजिटली ऑर्गेनाइज करते हैं, एक घंटा आधा घंटा के हिसाब से, अपने पोटेंशियल लीडर्स जो है उनको हमने एजुकेट किया है, इसके लिए ट्रेन किया है कि DTM सेशंस करते हैं, ड्रॉप द मैसेज, DTM सेशन करना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, स्ट्रेंजर्स से कनेक्ट करना, राइट? क्योंकि हमने जो लीडरशिप है उससे यही सीखा है कि आपका ये बिजनेस चलेगा स्ट्रेंजर्स के भरोसे, आपके भरोसे, आपके फ्रेंड्स के भरोसे, आपके रिलेटिव्स के भरोसे नहीं चलेगा. एंड टू बिल्ड